Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. सभी लाडले भाइयों को राम राम। दोस्तों, टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि सुबह से लगा हुआ था, मुंह पे बज रहे 14, मगर वीडियो लेके आनी है तो आनी है। आज आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए रखा हुआ था। एक अपने लाडले भाई की कैबिनेट है जो कि यहाँ से निकल के जा रही हैं गोरखपुर को। तो मेरे लाडले, नाम पहले बता दूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ, मैं एक बार नाम चेक कर लूँ, अगर आप 2 मिनट दे दो। सब्सक्राइब करें हमारे दिल्ली व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। लाडलो ये जा रही है अपनी आशीष भाई को गोरखपुर। ज़्यादा डिटेल्स आपको बस इतनी दूंगा मैं। अब चलते हैं, चल के सीधा धावा बोलते हैं कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट में क्या खास है चल के वहीं देखते हैं। और हाँ, थोड़ी सी देर, अभी कुछ नए नए रैक तैयार हो रहे हैं, जब आप भाई आते हो, मिलते हो, बैठते हो, वो दिखाऊंगा अगले। लाडलो, सबसे पहली बात समझना, अगर साउंड में आपको पीछे का साउंड ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा समझ लेना कि रोड पर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्बेंस हो सकती है। सबसे पहले तो लुक देखो, ये 4 पीस रखे हुए टॉप के, ये 15 इंची का टॉप है, डबल 15 का, एक HF के साथ। तो यही कैबिनेट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ, और इसमें क्या खासियत है मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने इसकी जो डेप्थ है ना, वो 22 इंची रखी है, और 22 इंची की डेप्थ काफ़ी अच्छी होती है मिड बेस के लिए। बेस इसमें मिलेगा आपको ज़बरदस्त भरपूर। सबसे पहले देखा जाता पेंट। अब ये मैं एक बार पेंट को आपको घिस के दिखाता हूँ, तो पेंट को घिस के दिखाऊँगा, और ये काफ़ी हार्श तरीके से घिसूँगा, आप लोग देखेंगे ना। मतलब स्क्रैचलेस पेंट, अगर आप लोग देखेंगे। अब जब इसकी पूरी अच्छी तरीके से ऐसी तैसी मारी है ना, तो जब जाके इस पर बेचारे पे हल्का सा एक पता पड़ा कि हाँ, इसे घिसा गया है। ये प्लाई कैसी है, लोग पूछते हैं कि आप प्लाई कौन सी यूज़ करते हो, तो जो ज़्यादातर हैमर साउंड में प्लाई यूज़ की जाती है, हार्ड कोर प्लाई यूज़ की जाती है, 18 mm की प्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। और आपको कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी कैबिनेट खरीदने, तो आपको चेक करना चाहिए, आप कभी भी हाथ मार के देखिए कैबिनेट के ऊपर, जब इसको आप हाथ मार दें ना, आपको कटाक की आवाज़ आनी चाहिए, धप-धप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम कड़क आवाज़ आनी चाहिए, जैसे कि अभी आपको आ रही है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसे एलन की से टाइट किया हुआ है, इसमें 3 LN की हम लोगों ने दी हुई है। और जो आपकी ग्रिल है, ये 16 गेज की ग्रिल है दोस्तों, इसके अंदर 16 गेज की ग्रिल आ जाती है। अभी स्पेशली हुआ गया कि ये वाला जो कैबिनेट है, खाली कैबिनेट थे, तो हम लोग खाली कैबिनेट ही दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का ऑर्डर होता है उसी तरीके की सप्लाई होती है। अभी खाली कैबिनेट्स का ऑर्डर आया था, अगर हाँ हम कैबिनेट को कंप्लीट करके देते हैं तो कुछ अलग होता है, अभी फ़िलहाल कुछ अलग है। अभी इसके कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने से किस तरीके का आपको देखने में लगेगा, बैक साइड से कैसे लगेगा, आप इसको एक बार देखिए। ये फैक्ट्री से तैयार होकर आ गया, ये आगे भाइयों का जाने वाला है। इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैं दिखा दूंगा कि किस किस भाई को कौन कौन सा माल जा रहा है। और ये हमारे भाई थे परवेश जी, ये रिक्शा चला के लेके आ गए माल फैक्ट्री से अपना। अब इसके ऊपर कुछ लाइनर्स हैं, कुछ रिवर्स बेस हैं, और बाकी तो आपको मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर, आप कहते हैं मैसेज करके, तो मैं आपको दिखा दूंगा।
दोस्तों ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, ये अंदर दिल्ली व्लॉग्स और हैमर साउंड का ना एक रिक्शा ये था और एक अपना ये आ गया, इस पर एल डी 18 वगैरह और ये सभी चीज़ रखी हुई हैं, आप लोग देखेंगे तो ये आ गया। तो ये फैक्ट्री से माल रेडियो के आ गया है। जैसा कि फेस्टिवल का सीज़न है आपको पता है, तो सभी भाइयों के जल्दी जल्दी के जो भी ऑर्डर हैं वो सभी जा रहे हैं। और ये आ गए हमारे बाबा, क्यों भाई बाबा भाई, ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा माल आ चुका है। ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ये 932 है, ठीक है दोस्तों, 932 का कैबिनेट है। नीचे ये अपने डबल के बेस है, दोस्तों वीडियो का लास्ट आ गया है। ये वही वाला आप लोगों के बैठने का सीटिंग एरिया मान लीजिए, आपके भाई की छोटी सी कुठरिया मान लीजिए जहाँ पर आप लोग आके बैठते हैं, हैमर साउंड और दिल्ली व्लॉग्स। और जिस कैबिनेट को मैं अभी आपको दिखा रहा था उसके अंदर की प्लाई का मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है प्लाई, अगर आप लोग देखेंगे ये 18 mm की प्लाई है और बेसिकली ये वाली जो पोर्शन है ये आपकी ग्रिल की सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ग्रिल जो है यहाँ पर भी आप इसे कस सकते हैं जिससे कि ग्रिल की आपको आवाज़ नहीं आएगी एक्स्ट्रा में। 15-15 इंची के दो स्पीकर आ गए, एक आपकी HF, हर चीज़ आपकी डिमांड के हिसाब से होती है। अभी ये अंदर जो इंसुलेशन लगी हुई है ये वाइट है, इसमें येलो भी आती है जैसे कि ग्लास वूल हम लोग लगाते हैं। और इसके जो स्पेशल डिमांड पे आपके जो हैंडल्स हैं वो भी मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, जिस तरीके के हैंडल आपको चेक कर दिए जाते हैं। तो लाडलो काफ़ी कम टाइम था और बहुत जल्द से जल्द मैं ये वीडियो बना के आपको देना चाहता था। अगर साउंड की दिक्कत रही हो, कुछ परेशानी रही हो तो भाई नीचे डिसलाइक मारना, या पसंद आए मेहनत तो लाइक मारना, और कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल खुल के कहना। कल के वीडियो में जो अभी ये माल आया है ये वाला, और ये पीछे बैक साइड ये वाली कैबिनेट्स भी खोलूँगा और ये वाली कैबिनेट्स भी मैं कल खोल दूँगा। तो दोस्तों कल की वीडियो अगर आप भाइयों को चाहिए, जितने भी मॉडल आए हैं, जिस तरीके का काम इनके अंदर हुआ है, अगर सब देखना चाहते हैं तो बिल्कुल डिमांड करना, बिल्कुल दिखाएगा आपका भाई।